हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और ये 29 जून का है व्लॉग। तो बस सुबह का टाइम है, मैं नहा कर आ गई हूँ और सुबह 7:30 8 हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फूल लेने के लिए आ गई थी बाहर। घर में ही फूल हैं तो वरना क्या होता है कि वो लगाना पड़ता है ना फूल वाले के लिए, माली वगैरह, बट हमारे घर में ही निकल जाते हैं। बस ये है कि रेड वाले फूल बस अभी निकल रहे हैं, वाइट फूल नहीं है, शंकर जी वगैरह को चढ़ाने के लिए। चलो एक आध तो मिल जाते हैं रोज, मैं ढूंढ ही लेती हूँ एक आध। ये देखिए तुलसी का कितना बड़ा पौधा हो गया पीछे। और ये कौन सा फूल होता है, पेड़ होता है मीन्स, और ये वाला मैंने फूल चढ़ाया था तो आप लोग ने मना किया था कि ये वाला फूल शंकर जी को नहीं चढ़ाते हैं। तो फिर इसके जब से आप लोग ने मना किया तो फिर मैंने बंद कर दिया, नहीं चढ़ाती हूँ। तो मुझे पता नहीं है कौन सा फूल है ये। और पेड़ के सारे आम हम लोग ने तोड़वा लिए थे क्योंकि बंदर बचा नहीं रहे थे इसलिए। तो मौसम भी अभी देखो बारिश वाला हो रहा, आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है खुल जाएगा, थोड़ा ऐसा लग रहा है, बाकी देखो क्या होता है। सो गाइस अभी मैंने पीछे का व्यू आप लोग को दिखाया, पीछे कितना अच्छा चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी सुबह सुबह, आप लोग ने देखी होगी। तो बस फूल वगैरह मैं ले आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ भगवान को मतलब तुलसी जी में और क्या बोलते हैं पीपल वासुदेव जी में जल चढ़ाने। ये मेरा रोज का ही नियम है, नहा कर आती हूँ, रोज मेरा परमानेंट हो गया। मतलब मैं सोचती हूँ सुबह से नहा लूँ, वरना फिर क्या होता है अगर फिर नहाती नहीं ना, मतलब ये रहता कभी कभी सोचो कि कब बाद में नहा लेंगे तो फिर वो ना लेट होता है, इसलिए मैं ना सुबह से जल्दी सी कोशिश करती हूँ नहाने की। तो पूजा वगैरह भी टाइम से हो जाती है, सब काम भी टाइम से हो जाता है। तो बस यहाँ पर जल चढ़ाया तुलसी जी को पीपल वासुदेव में और यहाँ वासुदेव जी में। और यहाँ पर साइड में ना मैंने बताया था वाइट वाले फूल नहीं थे तो एक फूल लगा हुआ था वाइट वाला, तो शंकर जी के लिए निकल आया। तो चलो एक ही मिल गया शंकर जी को चढ़ाने के लिए, रेड फूल चढ़ाते नहीं है। तो भगवान जी की भी पूजा मैंने कर ली है, चालीसा वगैरह पाठ वगैरह कर लिया। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, जो मेरा डेली का रूटीन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी, जिसके लिए ये बैंगन मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। तो नॉर्मल सब्ज़ी बना ली है, इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बस इसे ढक कर रख देती हूँ पकने के लिए, छौंक दिया है मैंने। तो ये मध्य आँच में पकती रहेगी। साथ में यहाँ पर मैंने दाल भी चढ़ा दी थी तो इसकी सीटी भी आ गई है। सॉरी दाल नहीं चढ़ाई है, ये राइस चढ़ाया है मैंने। दाल पहले ही बन गई थी कुकर में, हमारे यहाँ राइस बनता है तो राइस चढ़ा दिया मैंने, तो राइस भी हो गया है। और बस इसके बाद ये मैंने ऐसे सूट कर लिया था सामने से और बस अब रह जाती है रोटियाँ। तो फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ, तो जब जैसा जो आएगा उसको देती जाऊँगी सेक कर। वैसे तो अभी कोई खाने वाला था नहीं तो गर्मी फिर बढ़ती है ना, तो इसलिए मैंने सोचा रोटी सेक के रख देती हूँ, फिर कैसे कैसे जैसे जैसे टाइम निकलता है ना फिर वो गर्मी बढ़ने लगती है, इसलिए मैं सुबह से ही रोटी सेक के रख देती हूँ। ये 11:15 बजे हुए हैं समथिंग, तो रोटी बन जाए। फिर आज मैं आप लोग के साथ ना एक ट्रिक शेयर करूँगी। मैंने अभी क्या मेरी मम्मी मतलब सासू माँ जो वो लगाती है, मतलब मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, मैंने पिछले वाले ब्लॉग में डाला था ना, बहुत बाल झड़ रहे थे। एक्चुअली मम्मी खा रही थी खाना तो उनको देने गई थी मैं चावल राइस। और मैं क्या बता रही थी कि हाँ मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे तो मेरी सासू माँ क्या है ऑयल मतलब क्या बोलते हैं प्याज का रस एंड थोड़ा सा उसमें ऑयल मिलाकर लगाते हैं। तो आज मैं भी वही करने वाली हूँ क्योंकि मेरे को बाल की केयर करना है, बाल मेरा बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। तो मैं ना क्या बोलते हैं प्याज को किस लिया था मैंने और उसमें थोड़ा सा ऑयल कोकोनट ऑयल मिलाकर हेयर मसाज कर लिया है। और शाम को मुझे वॉश भी करना है क्योंकि मुझे कहीं जाना है यार, ताई जी हैं मतलब ताई जी की मतलब भाभी हैं मेरी जेठानी, उनके बेटे का बर्थडे है, शाम को जाना है। तो मेरे मतलब तेल ऑयल बहुत छोड़ रहा था हेयर में, तो मैंने सोचा चलो हेयर वॉश करना ही है तो मैंने ये प्याज का रस में ऑयल मिला के लगाने को सोचा, तो वो लगा रही हूँ अभी मैं। तो इसको लगाने के बाद मैंने आधे से पौन घंटे लगा कर रखा था ताकि उसका फ़ायदा हो, मतलब आधे घंटे से क्या एक घंटा लगा कर रखा था मैंने। दोपहर को मैंने लगाया था 2:30 बजे के करीब, और 2 या 2:30 बजे के करीब 3:30 तक लगा कर रखा था। इसे क्या अच्छा फ़ायदा होता है, मतलब अब मेरे को सोचना हफ्ते में 2 बार मैं ये प्याज का रस लगाऊँ हेयर में, ऐसे क्या बाल थोड़े सही हो जाएंगे मेरे। तो यहाँ पर मैं
खड़े होकर लगा रही थी मिरर में देख के, तो मैंने वीडियो भी शूट किया और बाहर का व्यू भी ऐसा है ये देखिए। और बस मैंने बताया शाम को जाना है मुझे, तो मैं शाम को जा रही थी एक्चुअली भाभी के यहाँ बर्थडे में, तो वहाँ का वीडियो तो नहीं शूट किया है। बट ये रास्ते में नर्मदा जी, पानी बहुत इस टाइम भी गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है रोज़, तो ये नर्मदा जी भी देखो आप थोड़ा ऊपर रह गई है मतलब आने को, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया था आप लोगों के लिए। और कुछ अगर कुछ टाइम और गिरा ना पानी, तो छोटा पुल है जो वो डूब जाएगा। तो अभी भी रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। और वहाँ का वीडियो शूट नहीं किया था मैंने बर्थडे वाला, तो आज आप लोग के साथ नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने एक आध दिन पहले बनाई थी, वीडियो शूट कर लिया था तो आप लोग के लिए। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये जो नारियल होते हैं ना, तो ये इसको मैंने किस लिया है तो अच्छा सारा, मतलब एक भेला रखा हुआ था मेरे पास, तो समझ में नहीं आता ऐसे क्या वो कड़े हो जाते हैं, और खोआ भी रखा हुआ था घर में, तो मम्मी ने बोला वो बना लेते हैं, तो फिर मैं बना रही थी नारियल की बर्फ़ी। तो यहाँ पर ये नारियल को कद्दूकस कर रही हूँ और बना ही रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो बस ये नारियल को किस लीजिए, और अगर आपके पास खोआ है तो खोआ डालिए, नहीं है तो आप चाशनी वाली भी बना सकते हो। तो मेरे पास खोवा रखा है, तो मैं आज आप लोग के साथ मावा वाली बर्फ़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर ये बड़ा वाला बाउल है, नारियल कस लिया है, आधी कटोरी से कम शक्कर ली है, मावा लिया है आधी कटोरी। और बस करना क्या है, पहले तो हमें कढ़ाई चढ़ाना है, कढ़ाई में डालेंगे देसी घी, और घी गर्म हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, नारियल जो है ना उसे थोड़ा सा भून लेंगे, दो मतलब भूनना क्या है, गर्म कर लेंगे, मीन्स गर्म कढ़ाई में थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद इसे इसको एक प्लेट में निकाल लेना है, फिर उसमें ही थोड़ी सी चिरौंजी डाल दूंगी। चिरौंजी डाल दो, ये बर्फ़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है और देखने में भी बहुत प्यारी लगती है। तो ये पहले तो मैंने नारियल थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर इसी कढ़ाई में मैं चिरौंजी को भी भून लूँगी। और ये चिरौंजी भी भून चुकी है हमारी, और इसे भी मैं ये नारियल के साथ ही निकाल कर रख देती हूँ। और अब इसके बाद क्या करूँगी मैं, ये खोआ है तो बस इसको भी मीडियम फ्लेम पर ओटना है, मीन्स अच्छे से गीला हो जाएगा तब तक कि इसे ओटना है। ओटने के बाद ये इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, आप देखना थोड़ी देर के बाद। और फिर ये जब गीला हो जाएगा तो इसी में मैं मिला दूँगी शक्कर, और उसको अच्छे से मेल्ट होने दूँगी, अच्छे से पिघला दूँगी, अच्छे से वो हो जाएगी। इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी नारियल और चिरौंजी। तो अभी इसे और भी भूनना है, मीन्स ये थोड़ा सा कलर आप देख लेना, थोड़ी देर बाद ये चेंज हो जाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ, गरम मतलब फुल फ्लेम पर करेंगे ना तो ये जल जाएगा पूरा नीचे, इसलिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसे भूनेंगे। और थोड़ी देर बाद आप देखना ये बढ़िया सा गीला सा हो जाएगा, और मैं शक्कर डाल दूँगी। और शक्कर मैंने थोड़े से और डाल दूँगी, अभी थोड़ी थोड़ी करके मिलाई है। तो बस इसे अच्छे से ओटने का मीन्स चलाते रहना, इसको चलाते रहना, अदरवाइज़ ये नीचे से लग जाएगा, ओटने का मतलब ये होता है। तो ये देखिए आप देख सकते हो ये गीला हो गया है थोड़ा, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस अब मैं इसमें डाल दूँगी नारियल और चिरौंजी, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में फिर मैं डाल दूँगी इसमें इलायची पाउडर, तो इलायची पाउडर डाल दोगे बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा नारियल की बर्फ़ी में। तो ये थी मेरी नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी, आप लोग को कैसी लगी आप लोग बताना। अभी ये और भी ओटी थी, मतलब और भी ये देख सकते हो आप गीला सा हो गया है इसका ये। तो बस अब मैं डालूँगी इसमें नारियल और चिरौंजी। तो ये देखिए ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें, और एक थाली या प्लेट में थोड़ा सा घी लगाकर इसे ग्रीस कर लें ताकि ये बर्फ़ी सेट हो जाए अच्छे से। तो एक प्लेट में मैंने ये घी लगा लिया है, और साइड से थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं बनाई तो आधी प्लेट में ही लगाई है मैंने घी। और बस ये जो मिक्सचर है बर्फ़ी का वो इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से सेट कर दूँगी, और ठंडे होने के बाद आप लोग खाइए, बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हो आप लोग, मतलब अगर आपके पास खोआ नहीं है ना तो आप चाशनी वाली भी बना सकते हो, मीन्स शक्कर और उसमें बना सकते हो, शक्कर की चाशनी में बना सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। खोआ डाल दो तो ज़्यादा टेस्टी लगती है, बट अगर नहीं है तो वो भी अच्छी लगती है। तो ये लीजिए हमारी नारियल की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। इस ऊपर से मैंने
नारियल का बुरादा और डाल दिया, देखने में अच्छी लगे। और आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, जो भी आपको डालना हो डाल सकते हो ऊपर से। और बस इसे आप काट कर रख देते हैं, सूख जाएगी तो फिर काटते नहीं बनेगी, इसलिए मैं भी गरम गरम काट देती हूँ, ठंडी होने के बाद फिर मैं इसे निकाल लूँगी। तो इस तरीके से नाइफ से इसे काट दिया है, ये देखिए। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अब आप लोग को मैं कोशिश करूँगी डेली रूटीन व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।